हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 की जो हमारी गणित है। तो हम देखेंगे कि क्लास 10 की जो हमारी गणित है और जो हमारा कोरोना के चलते जो 10% जो सिलेबस में हमारा जो भी कमी किया गया है, आज हम वो चीज़ें देखने वाले हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो देखो, हमारा ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए बन रहा है और ये विषय गणित पर बन रहा है। तो अब 10% जो हमारा पाठ्यक्रम में, गणित के पाठ्यक्रम में जो कमी की गई है, यानी कि जो चीज़ें अब हमें 10% नहीं पढ़ना है गणित में, वो चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा गया है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 10% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब देखो, इकाई 2 यानी कि बीज गणित में है ना, क्या है बीज गणित में, बहुपद जो चैप्टर है आपका जो बहुपद चैप्टर है यहाँ पे, 1 मिनट आपको और जूम करके दिखाते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखिए आपका जो बहुपद वाला चैप्टर है ना, तो इसमें आपको बहुपद के शून्यांक नहीं पढ़ना है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, यानी कि बहुपद वाला चैप्टर आपको अब नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात। अब देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यानी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, काम है वृत्त की स्पर्श रेखा अब नहीं पढ़ना है हमें, है ना। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, वो चीज़ें अब हमें नहीं पढ़ना है ना। और देखो, समांतर श्रेणियों में क्या है, यहाँ पे देखते हैं समांतर श्रेणी में कि समांतर श्रेणियाँ वाले चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर में देखो क्या नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी के 90 पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योग, समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये चीज़ें हमें समांतर श्रेणियों में नहीं पढ़ना है। अब भैया देखो, त्रिकोणमिति में आपको क्या नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति वाले पाठ में आपका कौन सा टॉपिक हटाया गया है, त्रिकोणमिति में आपका सर्वसामिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग को अब नहीं पढ़ना है ना, अब नहीं पढ़ना है इसके अनुप्रयोग को। अब देखो यहाँ पे प्रायिकता में कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये हमें प्रायिकता में अब नहीं पढ़ना है ना, इसको क्या कर दो, कट कर दो। यानी कि आपको क्या करना है, अपनी बुक लीजिए और जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे बताया उस पर क्या कर दीजिए, इसे कट लगा दीजिए ना, कहने का मतलब हमें ये टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पुश अप कर दीजिए तब लगा लीजिए चिन्ह। अब देखो आगे, अब देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है ना। उपर्युक्त के अनुक्रम में यहाँ पे क्या लिखा गया है, उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, समय 3 घंटा होगा, है ना। यहाँ पे जो बता रहा है कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण 23 अंक एवं 10 कुल 33 अंक, यानी कि 23 अंक जो हैं आपको उत्तीर्ण, 70 में से आपको क्या लाना है, 23 नंबर जब आप लाओगे 70 में से जब आप 23 नंबर लाओगे तब आप पास हो जाओगे। और एक चीज़ बता दें कि प्रैक्टिकल में से जब आप 30 में से 10 पाओगे तब आप पास माने जाओगे, यानी कुल मिलाकर के अगर 100 में से, इसको इस चीज़ को गौर से सुन लो कि अगर आप 100 में से 33 नंबर ले आते हैं तो आप पास माने जाओगे गणित में, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अब देखो, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 और कुल 33 अंक। अब देखो संख्या पद्धति, यहाँ पे क्या लिखा है, संख्या पद्धति में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीज गणित में
18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के, ज्यामितीय से 12 नंबर के, त्रिकोणमिति से 10 नंबर के, मेंसुरेशन से 10 नंबर के, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता से 10 नंबर के। यानी सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ किस में पूछे जाएंगे, इस बीजगणित वाले में ना। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, तो आपको बातें समझ में आ रही है ना। अब देखो इकाई एक यहाँ पे लिखा है कि इकाई एक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। इकाई एक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहला है कि वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पढ़ना है, देखो युग्मित विभाजन, प्रमेयिका, अंकगणित का आधारभूत उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। यानी कि वास्तविक संख्या वाला जो पार्ट हमारा है उस पार्ट को पूरा पढ़ना है। और बीजगणित में देखो, बीजगणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म पूरे पूरा पढ़ना है हमें। दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाले पार्ट को पढ़ना है ना, द्विघात समीकरण को भी पूरा पढ़ना है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, निर्देशांक ज्यामिति में रेखा द्विविमीय, निर्देशांक की अवधारणा, रैखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। अब देखो और आगे क्या है, इकाई चार में ज्यामिति में त्रिभुज वाले चैप्टर को पूरा पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपनी बुक में टिक भी लगा सकते हैं ना। और देखो क्या है यहाँ पर, रचनाएं में भी पूरा पढ़ना है आपको। रचनाएं में क्या है, पूरा पढ़ना है, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, रचनाओं में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और देखो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। त्रिकोणमिति सरसमकाय, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और सांख्यिकी में क्या पढ़ना है, सांख्यिकी में भी देखो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी, बारंबारता, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका हो गया ना। अब देखो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो हमने क्या क्या आपको बताया कि यहाँ पे आपको केवल ध्यान ये देना है कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान यार इसी में दो कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फालतू की पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं। और आपके पास टाइम भी कम बचा है, आज कितनी तारीख, आज 6 अगस्त हो गए हैं। कितनी तारीख आज हो गई, 6 अगस्त, आज 6 अगस्त हो गया है ना। तो आज 6 अगस्त है, तो यानी टाइम आपके पास बहुत कम बचे हैं। और देखो तो जो जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो और अपनी बुक में टिक लगा लो कि हाँ ये चीज़ें अब हमें नहीं पढ़नी है। और क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।